आज बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके अंदर देखिए, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, हमारे पास एक डाई है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग। आपके पास एक डाई है, डाई क्या है, जिसके अंदर आपने इस तरह की एक डाई देखी होगी जिससे आप लूडो भी खेलते हैं। इस तरह से एक तरफ एक होता है, एक तरफ दो होता है, एक तरफ तीन होता है, इसी तरह से चार पाँच छः इस डाई के ऊपर बिंदु लगे होते हैं। तो ये कहता है कि अगर हम डाई को फेंकते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ आउटकम्स बताइए, ए प्राइम नंबर कितनी बार आएगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि जो प्राइम नंबर है वो होता क्या है। देखिए, प्राइम नंबर होता है जो कि हमारा, अगर हम बात करें, प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, इस तरह से जो प्राइम नंबर होते हैं। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2, 2 से ही डिविजिबल होगा, 3, 3 से ही होगा, 5, 5 से ही होगा, या फिर 1 से डिविजिबल आप कह सकते हैं, बाकी ये किसी से डिवाइड नहीं होते। तो खुद से ही डिविजिबल होना या 1 से डिविजिबल होना, ये प्राइम नंबर होते हैं, या ऐसा कहें कि नेचुरल नंबर होते हैं लेकिन 1 से बड़े होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं लेकिन 1 से बड़े होते हैं, और ये जो छोटे नंबर हैं वो मल्टीप्लाई होके ये नंबर नहीं बना सकते। जैसे 3 है तो जो छोटे नंबर थे 2 है, वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 बन जाए। इसी तरह 5 है, अगर आप छोटे नंबर को 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है, ये नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर हैं 1 से बड़े होते हैं, और जो छोटे नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके आप होल नंबर नहीं ले सकते जो ये नंबर होता है। तो प्राइम नंबर ये हो सकता है, किसी तरह से समझ लीजिए आप, या तो ये खुद से ही डिविजिबल होते हैं ऐसा मान लीजिए, या नेचुरल नंबर होते हैं 1 से बड़े होते हैं, और जो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके हम ये बड़ा नंबर नहीं ले सकते। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। बाकी के जो सारे नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करके बनते हैं। जैसे 4 की बात करें, 6 की बात करें, 8 की बात करें, इस तरह से जो नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, ये प्राइम नंबर है। तो ये कहता है कि एक प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितनी बार आएंगे, यानी कि आउटकम्स जो है वो कितने आएंगी। अब देखिए, जैसे कि बात की 1 से 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाई के अंदर, तो इसी तरह से होते हैं। 1 बिंदु होता है, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, इसी तरह से होती है। एक डाई 6 इसके ऊपर बिंदु होते हैं एक साइड में मैक्सिमम। तो ये कहता है कि हम जब डाई को फेंकते हैं तो हमें कौन कौन से प्राइम नंबर मिलेंगे। तो प्राइम नंबर कौन से मिलेंगे, 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 5 है, तो 2, 3, 5 इसका आंसर रहेगा। तो ये प्राइम नंबर हमें मिलेंगे, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि जो प्राइम नंबर रहेंगे 2, 3, 5 आपको मिल सकते हैं। दूसरा, नोट ए प्राइम नंबर, यानी कि जब हम डाई को फेंकें जो प्राइम नंबर ना आए वो कौन कौन से होंगे। अब नोट प्राइम नंबर 1, 4 और 6, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें मिलेंगे 1, 4, 6 मिल सकते हैं। तो नोट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर थे, ये थे नोट ए प्राइम नंबर। अब इसी तरह से ए नंबर ग्रेटर देन 5 कितना मिलेगा। ग्रेटर देन 5 कितना है, सिर्फ एक नंबर है 6, तो हमें 6 मिल सकता है, आउटकम हमें 6 मिल सकती है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये नंबर नोट ग्रेटर देन 5, इससे छोटे, यानी कि इससे बड़े नहीं, इससे छोटे, तो आपको कितने मिल सकते हैं। तो ये आपको मिल सकते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये नंबर आपको मिल सकते हैं जो नोट ग्रेटर देन 5 हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, जो सेकंड क्वेश्चन है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आपको प्राइम नंबर का पता है और नोट प्राइम नंबर्स का पता है। और डाई जो होती है ये हमने डिस्कस की कि इसके ऊपर 6 बिंदु होते हैं मैक्सिमम, 1 से लेके 6 बिंदु तक होते हैं, इसकी हर साइड पे 6 साइड होती हैं इसकी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।